हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशोक। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए आया हूं यहां पे ATA Pro का 1200 वाट का एम्पलीफायर। इस एम्पलीफायर के साथ में आप यानी डबल 15 के दो टॉप आप चला सकते हैं या फिर सिंगल 15 के दो आप मॉनिटर्स को यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा आपको उसमें कोई भी मिक्सर लगाने की जरूरत नहीं है, यानी इसके अंदर आपको मिड लो हाई तीनों का कंट्रोल मिल जाता है। यानी एक वायर आप अटैच करें अपने फोन या लैपटॉप से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी चला सकते हैं। इसके अलावा अंदर की जो कि क्वालिटी, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, इसमें जो कि आपको मटेरियल्स मिलता है, कंपोनेंट्स मिलते हैं, वो कैसी क्वालिटी की यूज में लेके हैं, वो भी डिटेल में हम देखेंगे। तो वीडियो को मैं काफी मजा आने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। ये दोस्तों एम्पलीफायर का बॉक्स पैकिंग। यहाँ पे आपको ATA Pro की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। अगर मैं स्पेसिफिक इस मॉडल की बात करूँ तो ये है ATI 1212। यहाँ पे ये फ्रंट हो जाता है, बस इतनी सी डिटेल्स है बॉक्स पे और कुछ भी आपको डिटेल्स नहीं मिलती है। चलिए मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ। अनबॉक्स करते के साथ मुझे यहाँ पे जो कि ये थर्मोकॉल की पैकिंग मिलती है। इसके अलावा हमारा ये एम्पलीफायर है, अभी मैं एम्पलीफायर को आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये है दोस्तों एम्पलीफायर का फ्रंट पैनल। क्या क्या चीजें हमें मिल जाती है वो अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप ATA Pro की ब्रांडिंग देख सकते हैं। इसके नीचे आपको ATI 1212 जो है वो मेंशन करा गया है। ये जो कि है वो आउटपुट लेवल इंडिकेटर्स हो जाते हैं। इसके अलावा ये मास्टर का नोब हो जाता है। यहाँ पे ये जो स्विच है, ये दोस्तों आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप यहाँ पे ड्राइवर यूनिट चलाना चाहते हैं या फिर आपके जो स्पीकर्स हैं वो चलाना चाह सकते हैं, तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये हाई, मिड और लो, ये तीनों के आपको जो कि कंट्रोल्स हैं, फिल्टर्स, नोब्स हैं, ये आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एम्प ऑन, फॉल्ट और पावर ऑन का इंडिकेटर मिल जाता है। ये ऑन ऑफ, स्विच ऑफ, ये बटन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेंटिलेशन दोनों साइड जो है वो दिए गए। फ्रंट से जो कि है वो इसका साइज 3U टाइप का साइज है, तो आप इसको फ्लैट केस में भी डालना चाहते हैं तो आप इजीली इसको डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर भी यहाँ पे जो कि ये है ATI Pro मेंशन करा गया है। अभी तो ये हो जाता है इसका फ्रंट, अभी चलिए बैक भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों एम्पलीफायर का बैक साइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा हाईलाइट ये मेड इन इंडिया हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे ये फ्यूज का आपको सॉकेट मिलता है। रिसेट यानी ट्रिप अगर कर जाता है, रिसेट करना है आपको, ये स्विच काम में आएगा। ये जो है वो अर्थिंग का सॉकेट हो जाता है, यहाँ से आप अर्थिंग दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये 4 इंच का फैन आपको देखने को मिलता है। ये आपके जो कि सिग्नल इनपुट और आउटपुट सेक्शन है वो यहाँ पे मेंशन करा गया है। TS और XLR दोनों ही से आप इनपुट या आउटपुट ले सकते हैं। इसके अलावा ये जो आपको स्विच देखने को मिलता है, ये 200 mV और यहाँ पे आपको ये 1 V का जो ऑप्शन दिया गया है। यानी आप मिक्सर के साथ यूज़ करना चाहते हो तो स्विच को नीचे रखिए, और बिना मिक्सर के साथ में यूज़ करना चाहते हैं इसको, स्विच को आप ऊपर रखिए। इसके अलावा यहाँ पे ये डबल चैनल नहीं है, तो ये मत समझना कि आपको ये 2 स्पीकर है तो ये डबल चैनल है, ये चीज़ मत समझना। यहाँ पे ये 2 स्पीकर इसलिए दिए गए हैं कि आप यहाँ पे 2 ohms और 4 ohms को अलग अलग यूज़ में ले सकें। अब इससे फ़ायदा क्या है कि आपको यहाँ पे ये मेंशन करा गया है 2 ohms पे ये वाला चलेगा और 4 ohms पे ये वाला चलेगा। यानी 4 स्पीकर चलाएंगे तो आप 2 ohms पे कनेक्ट करिए, और यहाँ पे अगर आप 2 स्पीकर चला रहे हैं पैलरी कनेक्ट करके तो यहाँ पे आप 4 ohms पे यूज़ करिए। सिंपल ऐसे ही इसके अंदर, यानी आपके जो टर्मिनल सॉकेट्स हैं इसमें भी आपको मेंशन करा गया, ये 2 रेड जो है ना, ये 2 और 4 ohms के ऑप्शन दिए गए हैं। कॉमन जो है वो नॉर्मली कॉमन, यहाँ पे भी कॉमन वही रहेगा, ये वाला भी कॉमन सिंपल वही रहेगा, कहीं से भी आप कॉमन ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप हॉर्न यूनिट चला सकते हैं, यानी लाइन में जो हॉर्न यूनिट्स होते हैं उसके लिए यहाँ पे आपको मिल जाता है 70 और 100 वोल्ट, यानी कॉमन 70 और 100 वोल्ट दोनों के ही आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। ये तो हो जाता है इसका बैक साइड। यहाँ पे साइड में भी, चेसी में भी आपको, जैसे मैंने बताया ना, ये यहाँ पे 3U का साइज दिया गया, तो आप इसको फ्लैट केस में भी इजिली डाल सकते हैं, इस टाइप का जो डिजाइन दिया गया है। चलिए अभी तो ये हो जाता है इसका बैक साइड, और भी डिटेल हम देख लेते हैं। ये है दोस्तों एम्पलीफायर के इंटरनल पार्ट की क्वालिटी। अगेन आप सभी के लिए हर एक वीडियो में कोशिश रहता है कि अंदर तक मैं आपको दिखा पाऊँ प्रोडक्ट, और ओवरऑल ये है इसका पूरा मॉड्यूल। ये बेसिकली एक मोनो एम्पलीफायर है, तो आपको एक मॉड्यूल देखने को मिलता है। एक मॉड्यूल के अंदर 2 तरीके का आपको ट्रांजिस्टर्स देखने को मिलते हैं। जो कि ट्रांजिस्टर है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर यहाँ पे विजिबल रहेगा। यहाँ से थोड़ी सी लाइट हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये 1943, यानी ये इस साइड 1943 है तो उस साइड 5200 होंगे। तो यहाँ पे ये जो है वो ट्रांजिस्टर्स को यूज में लिया गया है। ओवरऑल अगर मैं ट्रांजिस्टर की क्वांटिटी की बात करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 और 10, 20 टोटल ट्रांजिस्टर है, यानी आपका टोटल का टोटल। बाकी ये ट्रॉयडल इसका ट्रांसफॉर्मर हो जाता है। ये ट्रॉयडल ट्रांसफॉर्मर ही काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और बढ़िया क्वालिटी माने जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 8 कैपेसिटर इस पावर सप्लाई में जो है वो यूज़ में लिए गए। ये 4 दिख रहे हैं, 4 जो है वो नीचे की साइड में है, आपको आई होप आपको यहाँ से दिख जाएगा।
ये नीचे की प्लेट है ना उसके नीचे जस्ट लगे हुए हैं इस साइड पे, दूसरी साइड पे यहाँ पे लगा रखे हैं, ठीक है ना। ओवरऑल ये तो है इसका, इसके अलावा ये आउटपुट इसका ट्रांसफॉर्मर है जिसपे भी आपको यहाँ पे ATI Pro जो है वो मैंशन रहेगा मॉडल नंबर के साथ में ATI 1212, ठीक है ना। ओवरऑल यहाँ पे ये फ्रंट बोर्ड हो जाता है, यही बस इसके अंदर है। बाकी फैन जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे फैन आपको 4 इंच का फैन मिलता है, ये फ्रंट इंडिकेटर और वॉल्यूम नोब का यहाँ पे आपको मिल जाता है, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये वॉल्यूम नोब आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो कि आपको देखने को मिलती हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इसकी इंटरनल पार्ट की क्वालिटी को देख के, तो यस ये रिपेयरेबल है, ईजी टू यूज़, यानी ईजी टू रिपेयरेबल हम जैसे कह सकते हैं ना कि आसानी से रिपेयर हो जाएगा, और सारे कंपोनेंट्स आप देख सकते हैं इंडियन वाले ही यूज में लिए गए हैं। ओवरऑल ये है इसके इंटरनल पार्ट की क्वालिटी। दोस्तों कैसे लगी अनबॉक्सिंग और बाकी डिटेल्स एम्पलीफायर की जरूर नीचे कमेंट बताना। अभी दोस्तों मैं थोड़ी सी आपको और भी डिटेल दे देता हूँ इस एम्पलीफायर को लेके। सबसे पहले दोस्तों जो कि इसकी पावर है वो यहाँ पे टोटल 1200 वाट ये निकालता है। ये डोम्स स्टेबल है दोस्तों, यानी आप इस पे 4 स्पीकर्स जो है वो इजीली चला सकते हैं। 4 स्पीकर्स में मैं खुद यहाँ पे टेस्ट करने वाला हूँ, यानी हम 2 टॉप लगाने वाले हैं डबल 15 के 350 प्लस 350 वाट के जो है वो टॉप हम यूज करने वाले हैं इस पे। और मैं भी आपको ये सजेस्ट करूंगा आप 350 यानी सिंपल 3 इंच वर्चुअल वाले स्पीकर जो आप यूज करिए, बढ़िया चलेगा। और यहाँ पे ये डोम्स स्टेबल है, फोन्स पे आप इसको चला सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं जैसे कि मिड हाई लो, ये तीनों आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। मिक्सर लेने की इसके अंदर जरूरत नहीं है, सबसे अच्छी बात कि आपने एक वायर अटैच करा और आप डायरेक्टली इसको चला सकते हैं। इसके अलावा रफ एंड टफ चीज़ है दोस्तों और इजी रिपेयरेबल है, बाकी डिटेल्स मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। अभी चलते हैं हम टेस्टिंग करते हैं। 2 टॉप यूज़ कर रहा हूँ, 350 वाट स्पीकर्स हैं उसके अंदर, 60 वाट का HF लगा रखा है। कैसा है इसका क्वालिटी, इस एम्पलीफायर का परफॉर्मेंस वो भी हम देख लेते हैं। We'll be right back.
दोस्तों कैसे लगी टेस्टिंग और कैसे लगा दोस्तों इस एम्पलीफायर का परफॉर्मेंस, जरूर नीचे कमेंट्स बताना। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पे रन करे इसके साथ में 350 प्लस 350 वाट के स्पीकर्स, नहीं इजिली आपको मैं एक आसान भाषा में समझाऊँ कि आपके अगर स्पीकर में 3 इंची वॉइस कॉल के स्पीकर्स हैं, वो उसमें वॉइस कॉल जो है वो इतने इंची का डाला है, तो आप इजिली इस पे 4 स्पीकर्स यानी आपके 2 टॉप 15 के आप चला सकते हो 2 ओम्स पे। और यहीं पर अगर आप 4 ओम्स की बात करूं तो 4 ओम्स पे आप इस पे इजिली 600 प्लस 600 वाट के जो कि आपके सिंगल यानी मॉनिटर्स जो होते हैं वो अगर आप चलाना चाहो तो वो आप चला सकते हो। ये उनके लिए है कि यहाँ पे कॉम्पैक्ट चाहिए लेकिन पावरफुल चाहिए, तो यहाँ पे ये एम्पलीफायर आपके लिए होने वाला है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे ये इजिली रिपेयरेबल है, तो आपको जितने भी अंदर के कंपोनेंट्स हैं वो तो मार्केट में इजिली मिल जाते हैं, और इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि कोई अलग सा मिस्त्री लगेगा, वही मिस्त्री लगेगा जो बाकी एम्पलीफायर को रिपेयर कर रहा है, बल्कि जो कि आपको इंपॉर्टेंट एम्पलीफायर्स मिलते हैं उनसे ये जल्दी जो है वो रिपेयरेबल हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करता हूँ अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग डिटेल कहाँ से मालूम होगा, तो नीचे मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ, वहाँ से आप प्राइसिंग डिटेल्स मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा अपने नियरेस्ट डीलर से बाय कर सकते हैं, ये ATI Pro का, तो अपने ATI Pro के डीलर से बाय कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप वहीं से बाय करिए, क्योंकि वहां पे होता यह है कि आपको सर्विस जो है वो आसानी से मिल जाती है, कोई कंपोनेंट चाहिए कुछ भी खराब हो जाए तो आप वहां पे जाके कम से कम सर्विस ले सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं किसी अच्छी वीडियो में, जब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।